नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और हमारे इस सत्र कहानी 01 पहली कहानी के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। आप में से जितने भी बच्चों ने इस सेशन का, इस सत्र का पहला भाग देख लिया है, यहां से वीडियो कंटिन्यू करें, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो के ठीक नीचे मैंने इस पहली कहानी के पहले भाग का लिंक दे रखा है, तो पहले उस लिंक को क्लिक करके उस भाग को सुन लें, देख लें, इससे आपको ये वाले भाग को समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आधारित है मिखाइल सर्गेयेविच गोर्बाचेव पे और ये है इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। सबसे पहले शुरू करते हैं गोर्बाचेव के उदय से। गोर्बाचेव द राइजिंग। गोर्बाचेव का जन्म 2 मार्च 1931 को हुआ था। इनके पिता एक कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेटर थे, गठजोड़ फसल काटने वाले, और एक वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध के, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बुजुर्ग, एक वेटरन थे। एक बच्चे के रूप में गोर्बाचेव मेहनती, सिंसियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। 1955 में और गोर्बाचेव ने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने सीपीएसयू कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया और बहुत ही जल्द वो पार्टी में बहुत ही सक्रिय हो गए। अपने कड़े परिश्रम, अपने डिलिजेंस के कारण वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे और 1971 में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य बन गए। 1974 में, 1974 में उन्हें सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत का डिप्टी नियुक्त कर दिया गया और इसके अलावा स्टैंडिंग कमीशन ऑन यूथ अफेयर्स, युवा मामलों के स्थायी आयोग का चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया गया। इस दौरान शासन में यूरी एंड्रपोव साहब थे जो गोर्बाचेव को पसंद करते थे। इनफैक्ट जब इनकी मृत्यु 1984 में हुई, यूरी अंद्रपोव साहब की, तब वो चाहते थे कि गोर्बाचेव अगले महासचिव बने पार्टी के। यूरी अंद्रपोव साहब की मृत्यु के बाद उस वक्त कॉन्स्टेंटीन चेरनेंको शासन में आए। हालांकि गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अगले ही वर्ष उनका देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद 1985 में गोर्बाचेव बन गए पार्टी के महासचिव और 1 अक्टूबर 1988, 1988 को उन्होंने खुद को सुप्रीम सोवियत का प्रमुख, गोर्बाचेव हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ सुप्रीम सोवियत, और अपने लोकतांत्रिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को जोर दिया और इस तरह से उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। आपको मैं एक आध कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं, शायद आपको अच्छा लगे। ये रहे छोटे गोर्बाचेव हमारे, उनकी जन्म बचपन की फोटोग्राफ। गोर्बाचेव विद हिज यूक्रेनियन मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स इन लेट 1930s। जैसे कि मैंने बताया आपको यूरी एंद्रपोव साहब, और इनके जाने के बाद कॉन्स्टेंटीन चेरनेंको, जो गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी शासन पे आए और अगले ही वर्ष उनका देहांत हो गया, और उनके देहांत के ठीक बाद महासचिव के रूप में आए मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1988 को अपने आप को खुद ही अनाउंस कर दिया कि वो आज से हेड है सुप्रीम सोवियत के। ही हैड अनाउंस हिमसेल्फ एज हेड ऑफ सुप्रीम सोवियत, सुप्रीम सोवियत के प्रमुख के रूप में खुद को प्रेजेंट किया। हालांकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, गोर्बाचेव के दादाजी जिनका नाम था एंड्रेई, 1934 में, 1934 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सुनते जाइएगा, वैसे 1934 में उन्हें गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया था क्योंकि उस वक्त ये माना गया था कि वो एक कुलक, KULAK, कुलक का मतलब होता है एक अमीर किसान। यह दौर था स्टालिन का, तो स्टालिन के दौर में 1934 में एंड्रेई गोर्बाचेव के दादाजी को एक कुलक, एक अमीर किसान
माना गया और इस तरसम को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसलिए कहा जाता है कि शायद इसी वजह से गोरबाचेव रजीम के दुश्मन बन गए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, बट ये बहुत ही फेमस है एक्चुअली ये बात, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हालांकि मेरे हिसाब से शायद ये बात गलत ही होगी, क्योंकि गोरबाचेव जिस तरह से पार्टी के वफादार थे, एज मिखाइल गोरबाचेव वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पार्टी लॉयलिस्ट, तो ये शायद बात बोलना ठीक नहीं हो। चलिए इसके आगे चलते हैं। गोरबाचेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां पहुंचे? गोरबाचेव ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अपने विवादास्पद घरेलू सुधारों के विपरीत, अपने कॉन्ट्रोवर्शियल डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट, विदेशी मामलों में गोरबाचेव को अपनी नई सोच, फॉरेन अफेयर्स में गोरबाचेव को अपनी न्यू थिंकिंग के लिए पश्चिम में बड़े पैमाने पे उनका स्वागत किया गया था। ही वॉज हेल्ड एंड अकोलेटेड वेरी हाईली वेयर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, अपने कॉन्ट्रोवर्शियल डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए, अपने विवादास्पद घरेलू सुधारों के विपरीत, इनको इनके नई सोच के लिए स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में, विदेशी मामलों में वेस्टर्न कंट्रीज ने इनकी नई सोच की बहुत तारीफ की थी। और वास्तव में गोरबाचेव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नई सोच की अवधारणा को बढ़ाने और लागू करने के कई ठोस प्रयास किए थे। इन रियल सेंस गोरबाचेव ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ही एक्चुअली ट्राइड टू एस्टेब्लिश व्हाट द न्यू थिंकिंग, द रिफॉर्म्स, जिसके कारण उनकी वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल सराहना हुई थी। आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कोल्ड वॉर के बारे में खूब पढ़ा था कि जब तक गोरबाचेव, जब तक ये दुनिया रहेगी तो निसंदेह गोरबाचेव की इस कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल तारीफ होगी। देखिए पहले आपको एक बात बताया था, कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध। शीत युद्ध ऐसा नहीं है कि चलो आज से शीत युद्ध शुरू हो गया, आज से कोल्ड वॉर शुरू, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध एक ईरा था, एक युग था, जो माना जाता है कि 1947 कुछ लोगों का कहना है कि 1947 से 1989 तक था, कुछ लोगों का कहना नहीं, ये 1947 से 1991 का था, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया। इसे अक्सर शीत युद्ध कहा ही क्यों जाता है, इसे कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? बढ़िया सवाल है। इसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान यूएसएसआर और उनके अलायंस मतलब ईस्टर्न ब्लॉक्स और यूएसए और उनके अलायंस मतलब वेस्टर्न ब्लॉक्स, देखिए अगर आपको किसी से लड़ना है तो आप डायरेक्ट लड़ेंगे, इन्होंने कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं की और प्रॉक्सी वॉर्स करते रहे। प्रॉक्सी वॉर मतलब दूसरे किसी देश में जाके लड़ते रहे, एग्जाम्पल कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, वियतनाम, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। तो खैर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, गोरबाचेव साहब का कंट्रीब्यूशन 40 साल से चल रहे, 40 साल पुराने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए सराहनीय रहा। तो शीत युद्ध के तनाव को कम करके वे पश्चिम के साथ संबंधों और व्यापार में सुधार करने लगे और इस दौरान काफी सारे पश्चिम के बड़े बड़े नेताओं के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा स्क्रीन पे मैंने लिखा है हेलमेट कोल साहब जर्मनी के चांसलर थे। इसके अलावा उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उस वक्त के ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, जिनके साथ इन इन वेस्टर्न कंट्रीज के नेताओं के साथ गोरबाचेव के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गए थे। आपको आपने सुना भी होगा, तो अगर आपको ध्यान होगा तो मार्गरेट थैचर ने बहुत फेमसली कहा भी था, आई लाइक मिस्टर गोरबाचेव, वी कैन डू बिजनेस टुगेदर, मार्गरेट थैचर, मुझे गोरबाचेव, हमें गोरबाचेव बिल्कुल पसंद है और हम साथ में निसंदेह व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी, कि गोरबाचेव और उनकी नीतियों ने
आर्म रेस को खत्म किया जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। तो न्यूक्लियर वेपन्स अर्थात परमाणु हथियार गोरबाचेव का एक साहसिक कदम था। तो उस साहसिक कदम ने यूरोप में इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वेपन्स इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर वेपन्स का एलिमिनेशन किया, वहां से उसका उन्मूलन किया। और इसके लिए 1987 में 1987 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल गोरबाचेव और रोनल्ड रीगन साहब ने एक संधि भी साइन की थी जिसका नाम था आईएनएफ ट्रीटी, कि हम यूरोप से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को हटा देंगे। एंड ऑफ ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, सबसे पहले ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन के ऊपर आप लगाइए डबल स्टार। आपको पहले यह समझना होगा कि ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन ब्रेजनेव सिद्धांत है क्या। तो पहले मैं आपको यह बताता हूं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन मेरे हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। नवंबर 1968 में 1968 में सोवियत नेता लियोनिड ब्रेजनेव द्वारा इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की गई है कि ब्रेजनेव सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवाद को मजबूत करने के लिए कम्युनिस्ट देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की पुष्टि करता है। अर्थात सरल शब्दों में, अगर सोवियत संघ चाहे तो साम्यवाद को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए कम्युनिस्ट कंट्रीज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इससे चाहे उस देश की अखंडता और संप्रभुता तार तार हो जाए। यह था ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन आपको समझ में आ गया। गोरबाचेव ने घोषणा की कि वे सोवियत संघ ब्रेजनेव सिद्धांत को छोड़ देगा, और न सिर्फ ये बल्कि ईस्टर्न ब्लॉक पूर्वी ब्लॉक के जो राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक मामलों का निर्धारण और निराकरण करने की अनुमति देगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी, उनके शब्द में कोट कर रहा हूं, कि किसी अन्य राज्य मित्र सहयोगी और किसी अन्य की संप्रभुता को सीमित करने का कोई भी प्रयास अमान्य होगा। एनी अटेम्प्ट टू लिमिट द सॉवरेनिटी अखंडता और संप्रभुता ऑफ अनदर स्टेट फ्रेंड अलाय और अनदर वुड बी इनएडमिसिबल। और अगली महत्वपूर्ण चीज, अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स सोवियत सेना को वापस लेना। 1988 में उन्होंने सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापस लेने का आदेश दिया। इस दौरान लोकतांत्रिकरण के कारण, डेमोक्रेटाइजेशन के कारण, लोकतांत्रिक रूप से चुन के आई गैर साम्यवादी नॉन कम्युनिस्ट सरकारें, विशेष रूप से पूर्व जर्मनी में, पोलैंड में, हंगरी में और चेकोस्लोवाकिया में, ये कब की बात हो रही है, 1989 1990 की बात हो रही है, 1990 का एंड हो रहा है। तो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आए गैर साम्यवादी नॉन कम्युनिस्ट सरकारें, विशेष रूप से पूर्व जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सत्ता में आई, और गोरबाचेव ने उन देशों से सोवियत सैनिकों को का फेज्ड विड्रॉल चरणबद्ध वापसी के लिए सहमति हुई। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इनके प्रीडिसेसर्स, इनके जो पूर्वज थे, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कीजिए 1956 में जब हंगरी में रिवॉल्यूशन हुआ था तो यूएसएसआर ने अपनी सेना भेज के उस रिवॉल्यूशन को कुचलवा दिया था। इसी तरह से 1968 में जब चेक रिपब्लिक में पराग रिवॉल्यूशन, जिसका नाम बहुत फेमस नाम पड़ा था, द पराग स्प्रिंग, उसको भी यूएसएसआर ने अपनी सेना भेज के कुचलवा दिया था। यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। और इसी तरह से बर्लिन की दीवार का पतन, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और जर्मनी का रीयूनिफिकेशन में भी गोरबाचेव की विशेष भूमिका रही थी। ये दो चार फोटोग्राफ देखिएगा, जैसा कि इनकी तो हमने देख लिया, मार्गरेट थैचर जी का फोटोग्राफ, ये मैंने आपको बताया रोनाल्ड रीगन साहब है, ये रहे गोरबाचेव,
और ये 1987 में जैसा उन्होंने ट्रीटी साइन किया था, INF ट्रीटी, और ये कुछ एक लाइट मोमेंट वन टू वन इंटरेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं रोनाल्ड रीगन और ये मिखाइल गॉर्बाचेव। आपको मैं सिर्फ इन फोटोग्राफ से ये बताना चाहता था कि इनका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनका संबंध बेहतर होता जा रहा था। गॉर्बाचेव नेमेसिस, गॉर्बाचेव नेमेसिस। देखिए गॉर्बाचेव की पॉलिटिकल इन गॉर्बाचेव के पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, गॉर्बाचेव की राजनीतिक पहल एक तरफ सोवियत संघ को और उनके ईस्टर्न ब्लॉक्स को, उनकी राजनीतिक पहल एक तरफ तो सोवियत संघ को और उनके पूर्वी ब्लॉक्स को, में निसंदेह स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो ये लेके आए थे, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन जो लेके आए थे, इससे बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। बट एट द सेम टाइम इसी वक्त खुद गॉर्बाचेव और कम्युनिस्ट पार्टी वीक होती जा रही थी, जिसके कारण कई अवांछित परिणाम, अनडिजायरेबल आउटकम निकले। आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैंने आपको बहुत सारे बताए थे बट उसमें से मैंने सबसे दो महत्वपूर्ण रिफॉर्म गोरबाचेव के बोले थे आपको, पेरिस्ट्रॉइका एंड ग्लासनॉस्ट। आपको याद होगा तो ग्लासनॉस्ट ओपननेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो ग्लासनॉस्ट और डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोकतांत्रिकरण, इस प्रक्रिया के कारण गोरबाचेव की, देखिए जब गोरबाचेव ने ग्लासनॉस्ट और लोकतांत्रिकरण को, जब डेमोक्रेटाइजेशन को लेके आए, तो कई संघीय गणराज्यों में लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया, कई रिपब्लिक्स में, एग्जाम्पल अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान, इन जगहों पे लोगों में लोग विद्रोह करने लगे और कई जगहों पे एक सेपरेट, एक अलग ही देश की मांग होने लगी, एग्जाम्पल लिथुएनिया। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बोला था कि ग्लासनॉस्ट के कारण सेंसरशिप को एंड कोरोशन को, जो पहले अखबारों के पास ताकत नहीं होती थी कि वो कुछ भी लिख सकते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट को, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता था, बोलने की आजादी नहीं होती थी, डिस्कशंस की आजादी नहीं होती थी, धीरे धीरे गोरबाचेव ने इन चीजों को ढीला करना शुरू किया था, सरल शब्दों में डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया था। तो जिस तरह जैसे जैसे सेंसरशिप में छूट मिली और अधिक राजनीतिक खुलेपन आए, इसी तरह से जो दबी हुई राष्ट्रवादी और विरोधी रूसी भावनाएं थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी, और इस दौरान कई ऐसे शर्मसार कर देने वाले तथ्य निकल के आए जिसने राष्ट्रीय संप्रभुता की समस्या के बारे में लोगों को और जागरूक किया, और इसके कारण राष्ट्रवादी भावनाएं और सुदृढ़ हो गई इस देश में। इसके कारण लोग और स्ट्रांगली बिलीव करने लगे कि यूएसएसआर में समथिंग रॉन्ग। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। देखिए गोरबाचेव साहब के साथ हम एक बात कहते हैं कि गोरबाचेव साहब अधिनायकवादी, मतलब टोटैलिटेरियन। गोरबाचेव सोवियत अर्थव्यवस्था के कामकाज में टोटैलिटेरियन अधिनायकवादी नीतियों में भरोसा नहीं करते थे, वो चाहते थे कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अग्रीड। लेकिन इसी दौरान वो निजी स्वामित्व और स्वतंत्र बाजार तंत्र, प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट, इस पे भी कोई निर्णायक फैसला नहीं ले पाए थे, जिसके कारण केंद्र की योजनाएं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इट कंटिन्यू टू फॉल एंड क्रम्बल बिकॉज देयर वॉज नो प्राइवेट एंटरप्राइज। तो केंद्र की योजनाएं जिसको बैक करने के लिए कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, और इसके वजह से देश में विद्रोह और बढ़ता चला गया। इसके कारण राष्ट्रवादी ताकतें, नेशनल फोर्सेस और ज्यादा एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से गोरबाचेव ने और ज्यादा कार्यकारी शक्तियों की मांग की, एग्जीक्यूटिव पावर्स की मांग की, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको और भी ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दिए।
लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर्स की जब मांग की गोरबाचेव ने, तो इससे इनकी इमेज, इनकी विश्वसनीयता को एक गंभीर झटका लगा। क्योंकि एक तरफ तो गोरबाचेव पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, और एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियों की मांग कर दी। इस वजह से उन्हें हिपोक्रेट कंसिडर करने किया गया इस दौरान। अंततः गोरबाचेव के युग का अंत हुआ। गोरबाचेव ईरा नो मोर, हाउस अरेस्ट। 1990 में जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अपने चरम पे था, राष्ट्रवादी भावनाएं, जब राष्ट्रवादी भावनाओं ने बड़े पैमाने पे देश में कई दंगों को जन्म दे दिया, और धीरे धीरे गोरबाचेव की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। अगर आप वास्तव में देखेंगे तो 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक एक छोटा अल्पकालिक तख्ता पलट हो गया था, और गोरबाचेव को हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तख्ता पलट के बाद उन्होंने तुरंत सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय समिति को भंग करने की सलाह दी, महासचिव के रूप में इस्तीफा दे दिया और सरकार के भीतर सभी पार्टी इकाइयों को भंग कर दिया। कुछ ही समय के बाद सुप्रीम सोवियत ने सोवियत क्षेत्र में सभी जितनी भी पार्टी गतिविधियां थी सभी को निलंबित कर दिया। लेकिन असल में यह बहुत देर हो चुकी थी, और एंड दिस वॉज द एंड ऑफ, अनफॉर्चुनेटली, कम्युनिस्ट शासन का अंत था सोवियत यूनियन में। गोरबाचेव ने सोचा, गोरबाचेव के विजन के हिसाब से उन्होंने यह सोचा कि हम नए सिरे से सब कुछ बनाएंगे। लेकिन उनके इस विजन को सबसे बड़ा आघात देने वाला था यूक्रेनियन रेफरेंडम, जहां पे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और एक सेपरेट राष्ट्र का आह्वान किया। ना सिर्फ ये, अच्छा मैं आपको इसके पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि यूक्रेन सोवियत संघ में रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, और इस देश के, इसमें लोगों ने अत्यधिक आजादी के लिए वोट दिया। और इस समय तक बोरिस येल्टिन, तो बोरिस येल्टिन और इनके अलावा, देखिए आप ये मत भूलिएगा कि डेमोक्रेटाइज हो चुकी थी सोसाइटी, तो बोरिस येल्टिन और इनके अलावा कई अलग, कई और रिफॉर्मिस्ट, कई और सुधारक आ चुके थे क्योंकि लोकतांत्रिकरण के कारण। इसी दौरान रशिया, रूस, यूक्रेन एंड बेलारूस तीनों के राष्ट्रपतियों ने बेलेज्जा अकॉर्ड, बेलेज्जा समझौते पे दिसंबर 1991 में हस्ताक्षर किए, जिसने सोवियत संघ के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और इसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल जिसको हम बोलते हैं सीआईएस, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका गठन किया। फाइनली 25 दिसंबर 1991 को नेशनल टेलीविजन पे गोरबाचेव साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। 1996 में एक बार और राष्ट्रपति के पद के लिए जब वो चुनाव लड़े तो उनको 1% से भी कम वोट मिला। विडंबना देखिए, एक ऐसा नेता जो शायद वैश्विक लोकप्रियता के शिखर पे था, वो अपने ही घरेलू चुनाव में परास्त हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, जिस व्यक्ति को एक राजनेता और एक स्टार के रूप में ट्रीट करते थे, मानते थे, वो अपने देश में एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में ही जाना जाने लगा, जिसकी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बहुत ज्यादा परिवर्तन के कारण जिसने शायद सोवियत संघ को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। आपको याद होगा तो 1990 में गोरबाचेव साहब को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। जब उन्होंने इन आर्थिक सुधारों को शुरू किया था, तो शायद इन सुधारों की शुरुआत की वजह
निसंदेह ये नोबेल पीस प्राइज नहीं रहा होगा। वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सोवियत प्रणाली में सुधार हो, लेकिन बदकिस्मती से उनके द्वारा किए गए फैसलों ने सोवियत संघ की मौत को सुनिश्चित कर दिया। एंड सोवियत संघ, सोवियत रूस, यूएसएसआर वॉज डेड। मिखाइल गोर्बाचेव हमेशा कहा करते थे, वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, हम इस तरह तो नहीं जा सकते। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम ही वॉज डन, ही हैड चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड देयर वॉज नो मोर यूएसएसआर। बट द टाइम ही वॉज डन, ही हैड चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द सोवियत यूनियन। तो जब उन्होंने चेंजेस, जब तक वो शासन में थे, उनके बदलाव के बाद अब कोई सोवियत यूनियन नहीं बचा था। तो ये थी कहानी गोर्बाचेव की। इसलिए मैंने आपको बोला था ये काफी विवादास्पद व्यक्ति रहे, एक ऐसे व्यक्ति जो जिनको निसंदेह विश्व एक बहुत ही बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की, के रूप में याद रखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके ही देश में शायद ये इतने लोकप्रिय नेता के रूप में याद नहीं रखे जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई ही कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रोवर्शियल लीडर इन यूएसएसआर, वेयर एज ही कंसिडर्ड टू बी अ स्टार इन द वेस्ट। तो आज की कहानी हमारी यहां पे खत्म होती है। इस सेशन को खत्म करने के पहले मुझे एक अच्छी सी लाइन लिखी, तो मैं लगा आपके साथ शेयर करता हूं। Great leaders don't set out to be a great leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. Behtareen. It's always about the goal. तो शायद गोर्बाचेव साहब के पास भी तो गोल था। और एक आखिरी स्लाइड आपसे शेयर करता हूं नेल्सन मंडेला साहब की। नेल्सन मंडेला साहब का स्टेटमेंट देखिएगा, Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got back up again. तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजा आया होगा। जैसा भी लगा, मजा आया नहीं मजा आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा अगर कोई विशेष यमन पे, कतर पे, सऊदी पे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे, किसी भी चीज पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह से कहानी बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं ASAP उस पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसके। अंटिल देन, बाय बाय फ्रॉम माइट साइड, सी यू देन।